नमस्कार, मैं स्वाति सिंह, आप देख रहे हैं एन भारत। शुरुआत करते हैं टॉप 10 की बड़ी खबरों के साथ। सरकार ने राष्ट्रपति पदक देने का किया ऐलान। एसआई रामवीर सिंह को दिए जाएंगे राष्ट्रपति पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की लिस्ट। एनसीसी के छात्रों द्वारा निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा के बाद बाइक रैली का किया आयोजन। बाईसवां दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में मेधावी छात्रों को स्वर्ण रजत और कांस्य पदक दिए गए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई रैली। प्रभु सिंह शेखावत ने दिखाई रैली को हरी झंडी। रैली में भारत माता के लगाए गए नारे। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टालते हुए एसबीआई से 23 अगस्त तक मांगा जवाब। पटनी टॉप के पास आतंकियों के होने की आशंका। सुरक्षाकर्मी चला रहे सर्च अभियान। डोडा में हुई मुठभेड़ में कैप्टन शहीद। पुलिस कर्मियों को मिलेगा प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड। एसटीएफ टीम के 6 सदस्यों को मिला पदक। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर में थे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान। सरकार 2017 से नियुक्त पत्र बांट रही है, ये मोदी और योगी की जोड़ी है। गोंडा में बस ने एक ऑटो को मारी जोरदार टक्कर। ऑटो में 2 लोग थे सवार। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, एक घायल। बहरोड में भारी बारिश का अलर्ट। जिला कलेक्टर ने की विनम्र अपील, घर से बाहर न निकलने का दिया आदेश। टॉप 10 की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए देखते रहे एन भारत। नमस्कार।